भी हमारे साथ में रहे हैं, मेरे गुरु जी भी रहे हैं और मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी हमने काफ़ी काम किया है। तो निश्चित रूप से जो है एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे और जो भी कार्य दिया जाएगा उसमें हम पूरा कर देंगे। मैडम शिक्षा में किस किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप? जैसा कि मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हम उसमें कार्य करना चाहेंगे, विश्वविद्यालयों के जो जो समस्याएं आ रही है विश्वविद्यालय के अंदर लेकर, क्योंकि अभी रैंकिंग में जो पिछड़ रहे हैं उन समस्याओं को भी दूर करने का पूरा प्रयास। मैडम कल मोदी जी आ रहे हैं, सभी विधायकों को बुलाया, आप भी पहुँचेंगे जी, क्या कुछ विजन है जो मोदी जी के सामने आप भी बताना चाहेंगे कि संवाद करेंगे बोलकर तो आपसे बात करेंगे तो आप क्या कुछ उनको बात करेंगे? पूरा फोकस रहने वाला है लोकसभा चुनाव पे। बिल्कुल, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और उन्होंने जो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है 2000 उनको लेकर हम किस तरह से जो है प्रदेश के विकास चौमुखी विकास कर सकते हैं उन योजनाओं को लेकर जो है हम उनके सामने। आज जो आपने जो प्राथमिकताएं पूछी है हमारा पूरे राजस्थान प्रदेश जो पिछले 5 सालों के अंदर हर मामलों में दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला अत्याचारों के विरोध में हो, तो उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उन समस्याओं को दूर करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं को शक्ति और शिक्षा देकर हम उन्हें सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में लागू की है और उसको भी हम जो है उससे लागू करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा।